अगर आप सीए इंटर में हैं और मई 24 एग्जाम्स प्लान कर रहे हैं तो ये तीन बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बिफोर द एग्जाम्स। नंबर वन, आईसीआई ने रिसेंटली अभी सभी सब्जेक्ट्स में टॉपिक वाइज वेटेज लॉन्च कर दिया है, जिसमें एडवांस अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप टू 65% वेटेज दिया गया है। मतलब यह हुआ कि अगर 120 मार्क्स का पेपर आएगा तो उसमें 78 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे जाएंगे, इंक्लूडिंग MCQs। नंबर टू, ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेलेवेंस बढ़ा दिया है, तो यह बात जानना आपके लिए जरूरी है कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिकल है और कितने थ्योरेटिकल है। कुल मिला के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिकल है, 80% कॉन्टेंट उनका प्रैक्टिकल है तो वो प्रैक्टिकल हुए, और उसके अलावा 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्योरेटिकल है जिसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, और 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि मिक्स्ड है, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का कंटेंट है। अब जब इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा खासा है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड फॉर सॉल्विंग द MCQ। नंबर थ्री, ICAI ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अपनी BOS ऐप के अंदर सभी सब्जेक्ट्स में MCQs डाल दिए हैं, और MCQs आप अटेम्प्ट कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। अच्छी बात यह है कि उसमें सिंपल लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने डाल दिए हैं, तो वो जरूर ट्राई करिएगा। अब अगर आप एडवांस अकाउंट्स में अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर सकते हैं जो कि शुरू हो रहा है 7 दिसंबर से। तो 7 दिसंबर से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट।